Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. पिछले एपिसोड में हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जाना था कि कैसे हमारी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा स्पीशीज की वैरायटी पैदा हो गई और कैसे एक प्रोटोजोआ 2 मिलियन स्पीशीज में बदल गया। हमने एवोल्यूशन के कारण पर भी चर्चा की थी जिसमें म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन शामिल है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक भी एवोल्यूशन को लेकर ही है। कुदरत हमेशा हमारा इम्तिहान लेती है और देखती है कि क्या हम उसके बनाए ब्रह्मांड में रहने लायक हैं या नहीं। जो इस इम्तिहान को पास करता है वो इस कुदरत को जीता है और जो इस इम्तिहान में फेल होता है उसे लुप्त होना पड़ता है, क्योंकि कुदरत हमेशा हमें अपने लिए चुनती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस एपिसोड में हम एवोल्यूशन के एक महत्वपूर्ण कारण नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। चार्ल्स डार्विन ने अपनी क्रांतिकारी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, जिससे हमें एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ समझ में आया। तो पहले तो हम यह जान लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन आखिर है क्या। दरअसल यह छोटा सा डिफरेंस है 2 एक जैसे दिखने वाले स्पीसीज के बीच में। मुमकिन है कि आपको भी सही से समझ नहीं आया होगा कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या, तो चलिए इसे बेहतर और विस्तार ढंग से जानते हैं। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखने के पहले पूरी दुनिया की सैर की थी और उन्होंने एक जैसे दिखने वाले प्राणियों का अध्ययन भी किया था। उन्होंने बताया कि एक ही स्पीसीज जो आइलैंड पर पाए जाते हैं वह मेनलैंड पर भी पाए जाते हैं, लेकिन दोनों थोड़े अलग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। दरअसल इसे ही हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, जहाँ जानवर खुद को वातावरण और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। यह बदलाव धीमा जरूर होता है पर यह 100% सही है और कई वैज्ञानिकों ने इसे लैब में प्रूव भी कर दिया है। आइलैंड पर रहने वाली स्पीसीज ने अपने आप को आइलैंड के अनुसार ढाला और वहीं मेनलैंड पर रहने वाली स्पीसीज ने अपने आप को मेनलैंड के अनुसार ढाला और इसी कारण दोनों में थोड़ा अंतर आ गया। इन स्पीसीज में जो सबसे ज्यादा खुद को वातावरण और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं वही जिंदा रह पाते हैं और अपने वजूद को दूसरे जेनरेशन तक पहुंचा पाते हैं, और यही कुदरत का नियम है। चलिए इसे थोड़ा आसान ढंग से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 जिराफ थे, एक की गर्दन लंबी थी और दूसरे की गर्दन छोटी थी। जब दोनों के बच्चे हुए तो जाहिर सी बात है कि छोटे गर्दन वाले जिराफ की संतान छोटी गर्दन के साथ पैदा हुई होगी और लंबी गर्दन वाले जिराफ की संतान लंबी गर्दन के साथ पैदा हुई होगी। अब आगे हुआ यूं कि लंबी गर्दन वाला जिराफ आसानी से लंबे पेड़ों के पत्ते खा लिया करता था और वहीं छोटी गर्दन वाले ऐसा करने में असक्षम थे। अब क्योंकि छोटी गर्दन वाले जिराफ सही से खा नहीं पाते थे तो नेचुरली ही उनकी स्पीसीज लुप्त होती चली गई और लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे रह गए। इसे ही हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें चुना था और यही वजह है कि हमारे आसपास लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बचे हैं। उम्मीद है कि आप नेचुरल सिलेक्शन को समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है एवोल्यूशन के लिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।